गाइस, ये है 55 इंच की 4K कैंडी की एलईडी टीवी जो अभी डिलीवरी हुई है जिसकी अभी। और ये मेरी ओल्ड टीवी है जो एक्सचेंज में जा रही है। इसका स्विच लगा लो। हाँ, एक सेकंड। ये गूगल टीवी है दोस्तों, अल्ट्रा एचडी। अब ये भैया अपन को ओपन करके दिखाएंगे, चेक कर रहे हैं अभी। और ये टीवी आ चुकी है बाहर, आप देख सकते हैं पैनल को। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा पैनल है ये। अब इसकी हम जरा ऐसी सीरीज चेक कर लेते हैं। ये स्टैंड हो गए हैं, इसमें रिमोट भी है। डॉल्बी विजन साउंड, ये ब्रांड का लोगो, ये स्टार रेटिंग। इंस्टॉलेशन के अच्छा, लड़के आएंगे कल, आ जाएंगे वो लड़के इंस्टॉलेशन के लिए। जी तो फाइनली दोस्तों, आज ही हमारी टीवी की डिलीवरी हुई है और आज ही इंस्टॉलेशन हो रहा है टीवी का। ऑनलाइन लिया है क्या? हाँ, ऑनलाइन लिया है, ये फ्लिपकार्ट से। ये पीछे से देख लीजिए आप लोग टीवी को, ये ऑप्शंस है इसमें, लैन, ऑप्टिकल वीडियो, और इसमें 3 HDMI के पोर्ट्स है जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 है इसमें और एक यहाँ पे भी है। तो दोस्तों टोटल 4 HDMI पोर्ट हैं जो किसी टीवी में नहीं आते अभी इस बजट में, और 2 USB के पोर्ट हैं इसमें, एक सैटेलाइट इनका है और एक RF का है। ये देखिए, 2-star रेटिंग के साथ ये प्रोडक्ट आता है दोस्तों, देखिए। उस पुरानी वाली को 4000 में एक्सचेंज हो गई वो, क्योंकि सादा थी वो, स्मार्ट थी नहीं। मैपिंग हो रही है अभी लगाने के लिए।
और ये है गाइस रिमोट कैंडी टीवी का, काफ़ी एलिजेंट लग रहा है देखने में। कीपैड भी काफ़ी स्मूथ है इसके, और ये इसके साथ आए इसके बैटरीज। हेलो, ये टीवी के नीचे 30 वॉट का स्पीकर है बोथ साइड। कनेक्शन बताइए। ये जो होल्डर है जी, ये उसमें फंसेंगे और टंग जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। आओ, अब फाइनली ये टीवी लग गई है और काफ़ी सही लग रही है, फिट आई है बिल्कुल, अच्छी है। थोड़ा सा हार्ड, हल्का सा, हल्का सा और, इस साइड नहीं आएगा। लास्ट वाली टीवी का आ गया था, एक सेकेंड। हाँ, एक्सटेंशन है मेरे पास, वो लगा दूंगा। दोस्तों ये 55 इंच की टीवी है, काफ़ी बड़ा पैनल है इसका और 4K पैनल है ये, अल्ट्रा HD क्वालिटी के साथ आता है। फाइनली दोस्तों टीवी ऑन हो रही है और ये ब्रांडिंग, और दोस्तों ये गूगल टीवी है, एंड्रॉयड टीवी नहीं है। इसमें 2GB की रैम मिलती है आपको, और इसका जो इंटरनल मेमोरी है यानी कि जो रोम है वो 32GB का है, जो कि इस ब्रांड पर उस पर सबसे अच्छा है। और इसके लिए मैं अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट भी ऑन कर लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत होगी लॉगिन के लिए। गाइस इस प्राइस में आपको 32GB की रोम कोई और ब्रांड नहीं देता, और ये मुझे 25,000 की पड़ी है आफ्टर एक्सचेंज। जो मेरी ओल्ड टीवी है वो 4,000 रुपीज़ में एक्सचेंज हुई है। अब हम रिमोट को एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया, इसमें जो साउंड है 30 वॉट का है और डॉल्बी एटमॉस का साउंड मिलेगा इसमें आपको, और डिस्प्ले भी है वो डॉल्बी विज़न के साथ मिलेगी आपको। तो काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज है ये, कंपनी ने आपको थिएटर फील के लिए पैकेज दिया है। Realme 5, ओके आपका। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए। अब जो कोई मतलब नहीं है आपको लग गया तो इसमें ये दो पॉइंट है अपना जो यूज करेंगे अपन, बाकी तो ये ऐप्स हैं जो भी आप चलाएंगे। ठीक, फर्स्ट ऐप पॉइंट है जो इसमें आप क्या करेंगे, इनपुट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो जो भी आप इसमें कनेक्शन देंगे वो यहाँ पर आएगा इनपुट पर। ठीक है, इनपुट सेलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे, इसका होम का ये बटन है। ओके, होम जब भी दबाएंगे तो आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले हो। ओके, ये हमने इनपुट सेलेक्ट किया। ओके, अगर आपके पास ऑडियो वीडियो वाला है तो ये आपका कंपोजिट पे चलेगा। HDMI वाला है अगर, HDMI वाला है अगर तो HD वाला बॉक्स, तो 1, 2, 3, 4 चार HDMI दिए हैं। ओके, जो भी सेटअप बॉक्स होगा आपका वो उस पर चला था, तो जिसमें भी आप कनेक्शन करेंगे उसमें आपका ये चल जाएगा। ठीक, सैंपल वाला है अगर सादा वाला तो कंपोजिट पे चलेगा। ओके ओके, मतलब टीवी वगैरह के लिए। हाँ, इसके बगल में आएंगे तो ये सेटिंग है। ओके, सेटिंग में अपन जाएंगे, सबसे पहला आपका काम है इंटरनेट से जोड़ना। ओके, अब जैसे आपके यहाँ अभी नेट लगा नहीं है तो आप अभी अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करके जोड़ सकते हैं। हॉटस्पॉट चालू करके ऑन है, नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, वाईफाई ऑन करेंगे,
ओके करेंगे। यहाँ सेलेक्ट किया रियलमी फाइव। रियलमी फाइव पासवर्ड बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 H। 1 2 3 4 5 6 7 H H H यस। स्मॉल में है। यस डन कर दूँ। यस डन कर दूँ। जैसे कनेक्ट होगा दिखा देगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके ये दिखा दिया कनेक्ट कनेक्टेड सक्सेसफुली। अभी आपका ये नेट से कनेक्टेड है। होम का बटन दबा के आप बैठ आएंगे फ्री देखने के लिए। यूट्यूब देख सकते हैं फ्री है। ओके ये आपका नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो इसका आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो अभी अपन यूट्यूब चला के चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज अपलोड करना हो मतलब कोई चीज। हाँ बता। अब गाइस यूट्यूब ओपन हो चुका है। ओके वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा। ओके वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके म्यूट हो जाएगा। ओके और जब प्रेस अगेन प्रेस करेंगे तो जितना वॉल्यूम आप खोल के रखे हैं हाँ वहीं पर चालू होगा। ओके जीरो ले। अब अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ओके ऊपर प्रेस करना है। ये प्लस होगा और नीचे प्रेस करेंगे तो ये माइनस। ओके नीचे ऊपर करना है और अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो सीधा आपका म्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और वॉल्यूम उतना ही खुलेगा जितना आप खोल के रखे हुए। ओके ठीक है ठीक। इस तरीके से आपको नेट। ओके वाओ यहाँ से हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ओके क्वालिटी अभी ये लगा हुआ है 480 पे। हाँ क्वालिटी लगा लेते हैं। वाओ गाइस ये वीडियो आप लोग फुल एचडी में देख रहे हैं। आप लोग ये वीडियो काफ़ी क्लियर पिक्चर क्वालिटी है। काफ़ी क्रिस्प है। काफ़ी कलर्स अच्छे दिख रहे हैं इसमें। विविड कलर है। देखिए कितनी प्यारी क्वालिटी आ रही है। इस प्राइस पॉइंट पर बहुत अच्छी क्वालिटी है पिक्चर की। काफ़ी अच्छा साउंड भी है। साउंड ने भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। वाह बहुत ही क्लियर क्वालिटी है। एंड गाइस ये है टीवी की सेटिंग। ये चैनल आर कोड डिस्प्ले साउंड के लिए। इसमें देखते हैं क्या है। ओके पिक्चर मोड है इसमें बहुत सारे। एनर्जी सेविंग मोड लगा हुआ है। अभी इसमें कंट्रास्ट ब्राइटनेस शार्पनेस सैचुरेशन सब कुछ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड ये है साउंड का ऑप्शन। अभी इसमें स्टैंडर्ड साउंड है। ERC का मोड भी है इसमें। फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। नेटवर्क के लिए आपको वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा इंटरनेट के साथ। प्राइवेसी है ऐप्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये गूगल टीवी एंड्रॉइड टीवी नहीं है तो इसमें मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं वो आपके डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाएंगे। एक बार सेटअप करने के बाद सब कुछ मिल जाएंगे ऐप्स आपको। तो जैसे ही देख रहे हैं गाइस आप कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है टीवी की। HDR सपोर्ट के साथ आता है ये। इसमें MEMG भी दिया गया है रिफ्रेश रेट के लिए। हाईर रिफ्रेश रेट लाइक आप मैच वगैरह देखते हैं स्पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें ब्लर नहीं होता है। अब मैं आपको इसमें कंटेंट दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इसकी साउंड क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ खासकर इस बजट में कोई जो टीवी दे रही है। एक सेकेंड। ओके ये हमारी पेंटैग। ओके मैं इसमें जाता हूँ।
तो गाइस ये पेंड है वो ओपन हो गई है। अब मैं आपको इसका वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ, फुल HD सॉन्ग है वो भी दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको अवतार का ट्रेलर दिखाता हूँ, अवतार 2 का द वे ऑफ वाटर। आप देखना कितना अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा आपको इसमें। क्या क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी यार। डॉल्बी एटमॉस के साउंड है इसमें दोस्तों, आवाज साउंड बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही शार्प है इस बजट में। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा साउंड होगा इसका। टीवी भी क्वालिटी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, टीवी की काफी क्लियर है। हर एक एंगल से देखो व्यूज अच्छे ही मिलते हैं टीवी के। साइड से भी देख रहे हैं हम, साइड से भी देखिए बिल्कुल। तीस वाट का साउंड है दोस्तों इसमें, 4 SD में पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है और डॉल्बी विजन है। बिल्कुल थिएटर जैसा फील आ रहा है दोस्तों। मैं इसमें अपने ब्लूटूथ साउंड कनेक्ट कर लूँगा तो और अच्छा फील आएगा। नेक्स्ट हम प्ले करता हूँ मैं।